दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से आप अपना एक न्यू ईमेल आईडी बना सकते हो। तो दोस्तों अगर आप अपना एक न्यू ईमेल आईडी बनाना चाहते हो तो इस वीडियो का पूरा जरूर देखें। इस वीडियो में आपको बिल्कुल प्रॉपर गाइड करूंगा कि किस तरह से आपको अपना एक न्यू ईमेल आईडी क्रिएट करना है, किस तरह से आपको अपना एक न्यू ईमेल आईडी बनाना है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर आप चैनल पर न्यू आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों न्यू ईमेल आईडी बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जीमेल एप्लीकेशन को ओपन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो जीमेल एप्लीकेशन यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले आपको जीमेल एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो चलिए मैं अपने जीमेल एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अपने जीमेल एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। तो इसी तरह से आपको अपने जीमेल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। और जीमेल एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख पाओगे सबसे ऊपर में आपको जीमेल का लोगो दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे फ़ोन की स्क्रीन पर। तो आपको ये वाले लोगो पर इस तरह से क्लिक करना है, इस तरह से आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप लोगो पर क्लिक करोगे तो इसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। और अगर आपने पहले से अपना कोई ईमेल आईडी बनाया होगा तो नीचे आपको सारा ईमेल आईडी यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर बहुत सारा ईमेल आईडी बनाया हुआ है। तो मेरा नीचे यहाँ पर सारा ईमेल आईडी दिख रहा है। तो अगर आपने पहले से कोई ईमेल आईडी बनाया हुआ है तो नीचे आपका ईमेल आईडी यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। तो आपको अपना न्यू ईमेल आईडी बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख पाओगे नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड अनदर अकाउंट, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो आपको यहाँ पर ऐड अनदर अकाउंट पर क्लिक करना है, इस तरह से आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप ऐड अनदर अकाउंट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा गूगल का, यहाँ पर आप देख सकते हो। आपको यहाँ पर गूगल पर क्लिक करना है। और जैसे आप गूगल पर क्लिक करोगे तो इसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे थोड़ा यहाँ पर लोडिंग लेगा। और इसके बाद आपको अपने फ़ोन का स्क्रीन लॉक यहाँ पर डाल देना है। तो चलिए मैं अपना डाल देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अपना स्क्रीन लॉक यहाँ पर डाल दिया है। तो इसी तरह से आपको अपना स्क्रीन लॉक यहाँ पर डाल देना है। और जैसे आप अपना स्क्रीन लॉक यहाँ पर डाल दोगे तो इसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आप देख पाओगे नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट अकाउंट का, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो आपको यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेगा, एक मिलेगा फॉर माय पर्सनल यूज का, दूसरा मिलेगा फॉर वर्क और माय बिजनेस का। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सबसे पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, इस तरह से आपको सिलेक्ट कर लेना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो इसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप देख पाओगे ऊपर में लिखा हुआ है क्रिएट ए गूगल अकाउंट, और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर योर नेम, यानी कि आप जिस भी नाम से गूगल अकाउंट बनाना चाहते हो, आप जिस भी नाम से ईमेल आईडी बनाना चाहते हो, आपको अपना नेम यहाँ पे डालना है। और नीचे आपको दो ऑप्शन मिलता है, एक मिलता है फर्स्ट नेम का, दूसरा मिलता है सर नेम का। तो आप यहाँ पर जिस भी नाम से ईमेल आईडी बनाना चाहते हो आपको अपना नेम यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए मैं आपको डेमो के लिए कुछ भी नाम यहाँ पे डाल के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ राहुल, ठीक है, और सर नेम में डाल देता हूँ कुमार। तो इस तरह से आप जो भी नाम से यहाँ पर ईमेल आईडी बनाना चाहते हो आपको अपना फर्स्ट नेम डाल देना है, और इसके बाद आपको अपना सर नेम नीचे यहाँ पर डाल देना है। और इसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है, इस तरह से आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो इसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे कुछ इस तरह का न्यू इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप देख पाओगे ऊपर में लिखा हुआ है बेसिक इन्फॉर्मेशन, और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर योर बर्थडे एंड जेंडर, यानी कि आपको अपना डेट ऑफ बर्थ और जेंडर यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पर ऊपर में आपको ऑप्शन मिलता है डेट ऑफ बर्थ का, और नीचे मिलता है जेंडर का। तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए मैं अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे कुछ भी एग्जाम्पल के लिए डाल देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है। तो इसी तरह से आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल कर देना है, और नीचे आपको जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो आपको दोनों चीज़ों को सिलेक्ट कर लेना है, और इसके बाद फिर से आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का, आपको फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इस तरह से आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो इसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिख जाएगा। और यहाँ पर आप देख पाओगे ऊपर में लिखा हुआ है चूज हाउ वी विल साइन इन, यानी कि आपको अपना यहाँ पर ईमेल एड्रेस सेलेक्ट करना है। आप यहाँ पर जिस भी नाम से ईमेल एड्रेस बनाना चाहते हो आपको अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पर जिस भी नाम से ईमेल आईडी बना रहे हो आपको उसी नाम से ईमेल एड्रेस यहाँ पर लेना है, ठीक है। तो आपको उसी नाम को यहाँ पर डालना है, मैंने राहुल कुमार यहाँ पर नाम डाला था, तो चलिए मैं यहाँ पर राहुल कुमार डाल देता हूँ। तो इसी तरह से आपको नेम यहाँ पर डाल देना है, और इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ नंबर भी ऐड करना है, आपको यहाँ पर नंबर भी कुछ ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने डेमो के लिए यहाँ पर कुछ नंबर भी ऐड कर दिया है।
तो इसी तरह से आपको नेम यहाँ पे डाल देना है और इसके बाद आपको कुछ नंबर भी यहाँ पे ऐड कर देना है और इसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है, इस तरह से आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे, जैसे मैंने नेक्स्ट पर क्लिक किया है तो यहाँ पर आप देख पाओगे यहाँ पर एक एरर आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है दैट यूजर नेम इज टेकन ट्राई अनदर, यानी कि मैंने जहाँ पर यूजर नेम सेलेक्ट किया है इस यूजर नेम को पहले से किसी ने ले रखा है तो मैं फिर से इसको नहीं ले सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे लिखा हुआ आ चुका है। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, आप जो यहाँ पर नेम यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हो आपको वो नेम पहली बार में नहीं मिल सकता है, तो आपको एक दो बार ट्राई करना है, आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और नीचे आप देख पाओगे अवेलेबल में यहाँ पर एक नेम दिख रहा है, आप चाहो तो इस नेम को भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं आपको नीचे वाले नेम को सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है, तो आप चाहो तो नीचे से भी सिलेक्ट कर सकते हो या फिर आप अपने अनुसार खुद का यहाँ पर नेम रख सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर ईमेल एड्रेस को सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है, इस तरह से आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो इसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे थोड़ा यहाँ पर लोडिंग लेगा, और लोडिंग लेने के बाद यहाँ पर आप देख पाओगे कुछ इस तरह का न्यू इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप देख पाओगे ऊपर में लिखा हुआ है क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, यानी कि आपको अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करना है, आपको अपना पासवर्ड यहाँ पर बनाना है। और नीचे आप देख पाओगे यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड विद मिक्सचर ऑफ लेटर नंबर एंड सिंबल्स, यानी कि नीचे आपको कीबोर्ड पर जितना भी लेटर्स मिलता है आपको सभी लेटर्स का यूज करके यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करना है, इससे आपका पासवर्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो चलिए मैं अपना पासवर्ड यहाँ पर बना लेता हूँ और फिर आपको आगे का स्टेप बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अपना पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। तो इसी तरह से आपको अपना एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट कर लेना है। और पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख पाओगे नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का, तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है, इस तरह से आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो इसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे कुछ इस तरह का न्यू इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ से नीचे आना है, इस तरह से आपको नीचे आ जाना है। और यहाँ पर आप देख पाओगे नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा यस आई एम इन, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो आपको यहाँ पर यस आई एम इन पर इस तरह से क्लिक कर देना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो इसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप देख पाओगे नीचे आपका ईमेल आईडी आपको दिख जाएगा, ठीक है। आपने जिस भी नाम से ईमेल आईडी बनाया होगा आपका नाम भी दिख जाएगा और आपका ईमेल एड्रेस भी यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा ईमेल आईडी यहाँ पर दिख रहा है, तो इसी तरह से आपका भी ईमेल आईडी यहाँ पर दिख जाएगा। तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का, तो आपको फिर से यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है, इस तरह से आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख पाओगे ऊपर में लिखा हुआ है प्राइवेसी एंड टर्म्स, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ से नीचे आना है, आपको इस तरह से नीचे आ जाना है। और नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा आई एग्री का, तो आपको यहाँ पर आई एग्री पर इस तरह से क्लिक करना है। और जैसे आप आई एग्री पर क्लिक करोगे तो इसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे थोड़ा यहाँ पर लोडिंग लेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा अभी लोडिंग ले रहा है, और लोडिंग लेने के बाद आपका ईमेल आईडी यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यही प्रोसेस था, इसी तरह से आप अपना एक न्यू ईमेल आईडी बना सकते हो। मैंने आपको इस वीडियो में सारी चीज़ स्टेप बाई स्टेप बता दिया है कि किस तरह से आपको अपना एक न्यू ईमेल आईडी क्रिएट करना है, किस तरह से आपको अपना एक न्यू ईमेल आईडी बनाना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, और अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू आ रहे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हो एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।